हाय गाइस, मेरा नाम शहबाज़ है। आप देख रहे हैं लहर चैनल। तो लहर चैनल में आज हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना वॉलेट ओपन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ट्रस्ट वॉलेट और यहाँ पे आ चुका है, ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ इंस्टॉल कर लेना है। मैंने कर चुका है इसलिए मेरा ओपन आ रहा है, तो मैं ओपन करूँगा इसे। मेरे पास देखो कई सारे वॉलेट्स है पहले से ही बना हुआ है। मैं आपको नया वाला बना के दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में यहाँ पे टिक कर देंगे आई अंडरस्टैंड डैट इफ़ आई लोड माय सीक्रेट वर्ड आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस माय वॉलेट। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा सीक्रेट फ्रेज, ये बिल्कुल इतना ज़्यादा हमें ये इतना ज़्यादा कीमती है कि हमें इसे सेव कर लेना है, या तो कहीं नोट डाउन कर लेना है बुक में, हार्ड कॉपी पेन वगैरह से, या तो इसे आप यहाँ से ऐसे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप ले जाइए, इसे मेल में डाल दीजिए, मेल में डाल के ड्रा उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो। मैंने ऐसे किया है, बहुत सारे तरीके अलग अलग है। आप अपना तिकड़म लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से इसे सेव रख सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसे ही हम ये कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद में मैं इसे कर देता हूँ मेल में सेव। तो आइए हम अब इसे यहाँ पर एक एक करके इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में हमें यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट करना होगा, मतलब वन सीरियल वाइज, सीरियल नंबर वाइज, मतलब वन पे कौन सा था, टू पे कौन सा है, थ्री पे कौन सा है, ऐसे। तो मैंने मेल में सेव कर रखा है जूनियर पास इंडस्ट्री डाइट। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा जूनियर, फिर सेकेंड पर था पास, फिर था इंडस्ट्री, फिर था डाइट। सो ऐसे करके आपको ये जूनियर इंडस्ट्री डाइट, और उसके बाद में आएगा स्क्रीन इन्फ्लिक्ट लीगल सॉल्व फैकल्टी यू सेंचुरी। सो इतना सारा याद तो नहीं रहेगा, आराम आराम से आप करिए, मैं भी आपको पूरा करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा अपने सीक्रेट फ्रेज जो है यहाँ पर डाल दिए है। अब इसे आगे करते हैं, डन। अभी क्रिएटिंग वॉलेट पे क्लिक होके और ये मेरा वॉलेट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रस्ट वॉलेट को वॉलेट बना सकते हैं। आगे भी मैं आपको कुछ वीडियोस बना के बताऊंगा कि आप कैसे दूसरे स्वैप कर सकते हैं टोकन्स को, कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं टोकन को डिसेंट्रल एक्सचेंज पे जाके पैनकेक स्वैप पे, और कैसे आप इसके अंदर टोकन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक करके सारे गाइडलाइन में इस ट्रस्ट वॉलेट के देता जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही बस। मेरा नाम शहबाज़ है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में आकर मुझे बताइए, और शेयर ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी फैल सके, और फीडबैक ज़रूर दे देना कि क्या कमी है और उसे कैसे मैं पूरी कर सकता हूँ।